उत्तर प्रदेश की जनपद बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद बाराबंकी ग्राम पंचायत गोड़ारी में रास्ते में दीवार की नींव बनाने को लेकर हुआ विवाद, जिसमें पूर्व प्रधान ने नीरज कुमार के हाथा जाने वाले रास्ते पर दीवार की नींव बना रहे थे। मना करने पर पूर्व प्रधान के पक्ष वालों ने नीरज कुमार, मानसिंह, पंकज, अजीत, शेष नारायण आदि लोगों के ऊपर लाठी व डंडों से जमकर हमला कर दिया, जिसमें वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और थाना सफदरगंज में FIR कराकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब देखना यह है कि खबर लगने के बाद इस पीड़ित परिवार को सफदरगंज पुलिस न्याय दिला पाएगी या नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। और कौन सा गांव है आपका? गोड़ारी। गोड़ारी थाना सफदरगंज जिला तहसील। क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ? प्रकरण सर, हमारी जमीन आबादी की थी सर, हम उसमें 50 साल से रह रहे हैं सर, मेरी पैतृक संपत्ति है सर। उसमें पूर्व प्रधान जी जो हैं हमारे, वो सर अपनी आबादी दिखा करके सर, वो थोड़ा रास्ते का मैटर था तो रास्ता हमको मतलब मेरी बंद कर रहे थे, तो सर हम लोगों ने कहा कि हमको रास्ता दे दें, तो सर नेपाल कानून को साहब नापते गए, उन्हें रास्ता दिलाया। उन्होंने रास्ता दिलाया भी सर, हम लोग अपनी पैतृक संपत्ति जो थी सर, उसमें आज बंगला रख रहे थे। मतलब अब वो मौसम है सर, अब हम अपना ट्रैक्टर वक्टर ले जाएंगे सर, गाय भैंस बांधेंगे उसमें। तो साहब सिस्टम ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप इसमें मत बनाइए, तो 100 नंबर कॉल किया गया, तो 100 नंबर वालों ने कहा कि आप थाने चले आइए। तो सर हम लोग थाने आए, सर हम लोग थाने आए और थाने में सर हम लोग मतलब विपक्षी पार्टी नहीं आई सर, हम लोग आए, तहरीर भी दिया और यहाँ से जब गए सर वहाँ, तो उन्होंने मतलब न्यू डाल रहे थे और मेरे फर्चे और सब तोड़ ताड़ के बहा दिए और कहा देखते हैं तुमको कैसे न्याय मिलता है। ये आपको मारा पीटा किसने? सर उनके परिवार वालों ने। कितने भाइयों को मारा? सर हम सभी भाइयों को मारा सर। किस चीज़ से मारा? सर ईंटों से मारा। और कोई धारदार हथियार वगैरह? नहीं सर, धारदार हथियार। हाँ सर, फरुहा लेके मारा? मारा किसी को? फड़वा नहीं, फरुहा सर फेंक के मारा था, लगा नहीं था। बीज भराव वगैरह किसी ने किया? सर गांव के ही 2-4 लोग थे, उन्होंने ही बीज भराव किया, लेकिन सर वो लोग माने नहीं है, तो हम लोग थाने चले आए। थाने में क्या सुनवाई हुई आज तक? थाने में सर सर को दिया है, वो सर सुनवाई कर रहे हैं। क्या तक क्या हुआ अभी तक? सर मेडिकल हम लोगों का कराया गया है और सर बोले हैं कि मतलब मेडिकल आपका भी पूरी तैयार हो जाए तभी प्रक्रिया होगी।